नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। देसी पत्रकार धर्मू का भारी विरोध और खूब पिटाई की गई है जींद के अंदर। जींद में किसानों की तरफ से ये पिटाई की गई है और देसी पत्रकार पर आरोप है कि वो सरकार की नुमाइंदगी ज़्यादा कर रहा है और इसी को लेकर उसका अब यहाँ पर जब जैसे ही किसान वहाँ पर पहुँचे और उन किसानों के पास ये पत्रकार पहुँचा तो उसके साथ मारपीट शुरू कर दी गई। दरअसल मामला ये है कि आज जींद में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम का भारी विरोध किया गया था किसानों की तरफ से, और जैसे ही सैकड़ों की संख्या में किसान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का विरोध जाहिर करने के लिए विरोध का जो स्थान था जींद के अंदर वहाँ पहुँचने वाले थे, तो उससे पहले ही देसी पत्रकार धर्मू ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी थी और यह भी बता दिया कि जो किसान है वो बगैर मास्क के इस कोरोना काल में भारी भीड़ के रूप में वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। ऐसा आरोप लगाया गया है कुछ किसानों की तरफ से, और उसके बाद जब वो भीड़ वहाँ पहुँची और उस भीड़ को कवर करने के लिए पत्रकार वहाँ पहुँचा और अन्य पत्रकारों के साथ, तो अन्य पत्रकारों का किसानों की तरफ से कोई विरोध नहीं किया गया, लेकिन धर्मू का भारी विरोध किया गया और उसके साथ खूब मारपीट की गई। और इस मारपीट की एक 18 सेकंड की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, तो वो वीडियो आप देखिए और किस तरह से उस पत्रकार का विरोध किया गया है। अब आपका ये इस संबंध में क्या कुछ कहना है, पत्रकार के साथ जो किया गया है किसानों की तरफ से वो सही है या गलत है, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हालांकि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो या तो धर्मू पत्रकार जाने या फिर वो किसान जाने, लेकिन जो भी हुआ एक पत्रकार के साथ इस तरह से नहीं होना चाहिए था। हालांकि नेशनल मीडिया का खूब विरोध अब से पहले किसानों की तरफ से हुआ है, लेकिन इस तरह से लोकल मीडिया का भी विरोध अगर हो रहा है तो मुझे कम से कम ये लग रहा है कि ऐसा किसानों को नहीं करना चाहिए। कोई अगर भीड़ कुछ भी बोल दे उसमें से अगर कोई एक दो लोग, तो उसके पीछे हमें कोई भी इस तरह की घटना को अंजाम नहीं देना चाहिए। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरामैन सतवीर के साथ हनुमान पुनिया।